मेरा नाम है चिराग गोठी और मैं हूँ सुरभि। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। इन्हें बादाम खिलाइए सर, थोड़ा ज्यादा। आज हम बात करते हैं, मुद्दा गंभीर है क्योंकि हर बार हम गंभीर मुद्दे पर ही बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम गंभीर हो जाते हैं तो मजाक थोड़ा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली दर्शकों को वो सूट नहीं कर रहा, और कई ऐसे दर्शक है जो बड़े गजब कमेंट्स कर रहे हैं उसे। मतलब ऐसे कमेंट्स कि बंदा डर जाए, और मतलब मोटिवेट सुबह होते ही दिमाग खराब हो जाए कि यार क्या जी, मस्त आंखें मसलते हुए इंसान उठ के ये देखो वो एकदम पूरी आंखों खुल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मुद्दा तालिबान से जुड़ा है क्योंकि ट्रेंडिंग में वही है, वही बात करेंगे। और मुद्दा है कि किस तरह से वहां पर महिलाओं की अब स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। सुरभि जी सर, आप सोचो अगर तुम्हारे चेहरे पे कोई कालक मल दे तो मतलब पहले तो बहुत ही बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ये भी फील होता है कि जैसे किसी बकरे को काटा जाता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता, छटपटा के रह जाता है। वो भी एहसास होगा कि क्या मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके चेहरे पे कालिक मला जा रहा है, आपको सजा दी जा रही है, बट आप कुछ नहीं। नहीं, कौन मल रहा है वैसे? अफगानिस्तान में तालिबान कर सकता है ऐसे? ये तो मतलब किया भी है, कर भी रहे हैं, पत्थरों से मारना, कूड़ों से मारना। नहीं, ये तो एक दो तस्वीर है, मतलब बहुत ही बेरहमी डिस्कस करने के लिए। आप जो एक तस्वीर की बात कर रहे थे वो कौन सी थी? वो यही तस्वीर है कि एक विदेशी पत्रकार है जिसने एक फोटो खींची, जिसमें एक फोटो है जिसमें उन्होंने बहुत सारे लॉक लगा दिए महिलाओं के चेहरे पर, काले पोत दिए, और मतलब अलग अलग तरीके से तस्वीर आप मतलब हम दिखाएंगे। हाँ, हम लोग मतलब बीच बीच में वो तस्वीर लगा देंगे। तो ये क्या मतलब ऐसा होने जा रहा है या डर है, क्या है सुरभि, कैसा क्या लग रहा है ये? मतलब ये खबरें पढ़े जा रही हैं। हाँ, अब कई बार ऐसा होता है ना, हम खबरें बहुत पढ़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और असल में जब हम वहां जाके ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो कुछ और होता है। ऐसा तो है ही नहीं, इतना ज्यादा हुआ बना रखा है। कई बार होता है, बहुत बहुत बार होता है जो हमें दिख रहा है सोशल मीडिया पे कि ऐसा कुछ होने वाला, वहाँ पे तालिबानी इस तरह से हरकत वहाँ पे कर रहे हैं, बट वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि कुछ मतलब और अलग ही रियलिटी पता चलती है। होता है सर, सर देखिए, हर तरह की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता, हमें एक्चुअल में सिर्फ वो चीजें पता है जो वहां से वीडियो और फोटोज के थ्रू आ रही है। जो लोग वहां रह रहे हैं, कुछ लोगों की बाइटें आती हैं, कुछ लोगों की बातचीत आती है, लेकिन वहां पे असलियत में हो क्या रहा है वो हमें एक्चुअल में नहीं पता। सही बात है, और जो सरकार दिखाना चाह रही है वही हम देख रहे हैं, वही हम देख, क्योंकि वहां तो तालिबान के कब्जे में है ना सर सारी चीजें, चाहे वो न्यूज चैनल हो, मीडिया हाउसेस हो, जो भी हो, वो तो अपनी तारीफ दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हो कि मतलब कोई अत्याचार नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अत्याचार ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा सर, अत्याचार हो रहा है क्योंकि ऐसे 20 साल थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं आप, 20 साल पहले थोड़ा बहुत धुआं है तो आप तो लगी है ना, मतलब 20 साल पहले क्या तालिबान का टाइम याद करिए, जब औरतों को लव मैरिज, अगर उन्हें पता चला किसी से प्यार करती हैं, लव करना चाहती हैं, लव मैरिज करना चाहती हैं, तो कहते हैं कि उनकी शादी किसी और आतंकवादी, अपने आतंकवादियों से करवा देते, मतलब ऐसी भी खबरें आई हैं जहां पे लड़कियां अगर पता चलता था कि भाई लव मैरिज करना चाह रहे तो उनकी शादी कहीं और करा दी आतंकवादियों से। एक देखा था, एक स्टोरी कल ही मैं देख पढ़ रहा था कहीं की, कि काफी साल पहले की स्टोरी है वो, मतलब 20 साल अब तालिबान का राज जब रुका हुआ था उससे पहले की, एक लड़की थी वो 7th स्टैंडर्ड में थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी किसी और लड़के से करा दी, मतलब एक आदमी लड़का नहीं आदमी था उससे करा दी, वो 7th स्टैंडर्ड में थी, उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसके घर वालों ने शादी करा दी। शादी के बाद उसने अपने ससुर से हस्बैंड से बोला कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने मारा, मारते थे, पीटते थे, लाते, घूसे के नहीं पढ़ने देंगे, तू पढ़ेगी तो तेरा दिमाग जो है ना बहक जाएगा, मतलब लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं बची, सिंपल, मतलब ये कह सकते हैं लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं बची। बीच बाजार कोड़े मारना सर, मतलब जानवर नहीं है औरतें, वहां पे इंसान है वो भी, ऐसे अत्याचार अगर होंगे तो फिर क्यों नहीं डरेंगे। और उस डर का माहौल हमें देखने को मिला एयरपोर्ट पर, जब लोग चलते हुए एरोप्लेन के अंदर घुसने को तैयार थे कि भाई हम, यार मैं तो आज एक खबर बना रहा था उसमें अपने क्राइम तक पर, उसमें एक वो फुटबॉलर था लड़का जिसके अवशेष मिले। हाँ सर, एक कॉमेडियन को सर मार दिया उन्होंने, उसके अलावा एक औरत थी सर जिन्होंने तालिबान के अगेंस्ट हथियार उठाए थे, सलीमा मजारी नाम था, उनको बंधक बना लिया। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में 27 साल की छात्रा थी, उसने उसकी फैमिली पूरी अफगानिस्तान में है, तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मेरी हिजाब वाली जितनी मतलब बिना हिजाब वाली जितनी, तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज ना मैं जो इसमें लगता है ना, एक कहते हैं ना एक माहौल बनता है,
कि एक बंदा बोल रहा है, दूसरा भी वही बात बोल रहा है, तीसरा भी वही बोल रहा है, चौथा भी वही बोल रहा है, सोशल मीडिया भी वही बोल रही है, तो एक ऐसी ऐसा तो नहीं कि एक इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी भाई। अगर ठीक है यार, अब ऐसा नहीं हर देश में जुल्म नहीं होते महिलाओं के, होते हैं हर, आप देखो क्या भारत में होते हैं और दूसरे देशों में नहीं होते, होते हैं थोड़े बहुत होते हैं, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो करते हैं सब कुछ, लेकिन कई जगह ऐसा होता है ज्यादा होता है। लेकिन सर ऐसे नहीं, हाँ ज्यादा और कम वाली ही बात है, हाँ। लेकिन किसी कंट्री में ऐसा हाल नहीं होता कि आप 20,000 औरतों को मार दो, ऐसा नहीं होता। इस तरह की हाँ, ऐसा इसलिए नहीं मारता कोई कंट्री में, हमारी में हम, इंडिया में कोई इसलिए किसी महिला को नहीं मारता कि वो अकेले बाजार चली गई। हाँ ये बात सही है, उसने बुर्का नहीं पहना था। हाँ बुर्का नहीं पहना था, तुम गैर आदमी के साथ बाजार में, मतलब क्या गुलाम नहीं है वहाँ, लेकिन उन्होंने उनको गुलाम की तरह रखा है। और आज इसलिए सीरियसली होकर बात करना है कि लोग फिर गालियां देंगे। हाँ फिर गाल नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि फिर कल वाली बात आ जाएगी कि ये जो सरकार चल रही थी अभी तक, तो इन्होंने इसका मतलब कुछ नहीं किया। सर वो कठपुतली थी अमेरिका की। अरे तो कठपुतली तो थी, लेकिन वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थी उनकी, महिलाओं सत्ता भी आ रही थी। मैं तस्वीरें देख रहा था दो, वो मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तस्वीर थी, कभी मिस यूनिवर्स भी बनी है अफगानिस्तान की, कुछ ऐसी थी कि वो उसने क्राउन जीता है कोई, और उसकी वो पिक्चर थी, और मतलब वो दौर दिखाना चाह रहे कुछ पिक्चर्स ऐसे भी आती जिसमें फीमेल्स शॉर्ट स्कर्ट्स में वो हैं मूवीज देखने जा रही हैं। वो एक टाइम था 1970s और 74 के आसपास का, वो एक दौर था। इसका मतलब उस समय भी तो कोई सरकार थी जो चला रही थी, सरकार थी लेकिन उस टाइम पे कट्टरवाद इतना नहीं था। लेकिन जब जन्मा कैसे इतना कट्टरवाद क्यों आया सर, ये बेसिकली इसकी देखिए शुरुआत हुई पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तालिबान को बढ़ावा दिया, उनके लड़कों को ट्रेनिंग दी, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनके जो परवेज मुशर्रफ थे एक्स, उन्होंने ये बात बोली और इसकी वीडियो हमने कैम तक पे डाली है। तो उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई नहीं किया सब चीजें होते हुए देखते सर, जब कहते ना जब शैतान सवार होता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता। कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कई लोग मुझे गालियां दें बुरा भला कहें, लेकिन जब धर्म की बात आती है ना तो इंसान अपनी दिमाग का थोड़ा सा संतुलन खो बैठा। हाँ, और कट्टरवाद की अगर जो इंसान धर्म में कट्टरवाद को बिल्कुल मिक्स कर देगा वो धर्म से भी अलग हो जाएगा और इंसानियत से भी अलग हो जाएगा। सही बात है, पहले तो धर्म इंसानियत ही यार। आप कोई भी धर्म की हो, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म, कोई भी धर्म हो, लेकिन अगर आप उसको ह्यूमैनिटी से अलग करके कट्टरवाद की तरफ से लेकर चले जाओगे तो वो आपको बरगला देगा। क्योंकि कोई धर्म ये नहीं कहता सर आप कि आप औरतों को बीज बाजार से इसलिए मार दो कि वो अकेले घर से बाहर निकलेगी, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो आपको बेवकूफ बनाता है और वही उनको। और मैं ये भी देख रहा था वो जो बनने वाले इनके ब्रादर, क्या नाम है ब्रादर भाई साहब, वो तो मतलब उनको मतलब मैं देख रहा था उनको जेल वेल में भी डाला था। हाँ वो काफी टाइम जेल पाकिस्तान में अरेस्ट थे और अमेरिका के कहने पे उन्हें छोड़ा गया था। और उसके बाद अभी जब ये सब चीज चल रहा था तो वो आराम से ओमान में बैठे हुए। एक वो एंकर वाली क्या कहानी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। एंकर का सर ये चीज था कि उसको बोला गया, उसको मतलब न्यूज चैनल से एंकरिंग करने के लिए हटा दिया गया तो अभी जब ये तालिबान सरकार अभी दोबारा। ओके, लेकिन फिर अभी वो ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन सुना है कि वो टोलो न्यूज के अंदर शायद वो एंकरिंग कर रही है। अच्छा, फिर भी आप कैसे सोचते हो, क्योंकि ये जो जैसे वहाँ औरतों के भी मतलब पोस्टर्स लगे हैं उसके ऊपर कालक पोत दी, मेन वही चीज है ना सर कि फीमेल जो भी औरतें हैं वहाँ पे उनका भी एक अपना राइट है, वो भी इंसान है, आप उसको जानवर की तरह ट्रीट मत करो। ठीक है, आपको अपनी सत्ता चलानी है, आपको अपनी हुकूमत कायम करनी है, ठीक है, बट आप उनको भी वैल्यू दो, उनकी भी एक जिंदगी है, उनके भी सपने हैं, उनको भी पढ़ना है, उनको भी आगे बढ़ना है। बट अगर आप उनको जानवर की तरह पीट रहे हैं, उनको घर में बंद करके रख रहे हैं, तो वो फिर इंसानियत मतलब इंसान के श्रेणी में तो वो फिर नहीं आएंगी, क्योंकि आप बस इस वजह से उनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं कि वो बुर्का पहन के क्यों नहीं निकल रही, वो गैर मर्द के साथ क्यों बाजार जा रही हैं। यही एक तस्वीर और भी आई थी कि जो तालिबान के लड़ाके थे उन्होंने स्कूल के बाहर जाके लड़कियों को स्कार्फ और वो बांटे, हिजाब बांटे, मतलब एक ये भी तस्वीर आई थी और ये न्यूज में भी आया था काफी सारी न्यूज। अगर हम पहनावे को धर्म से जोड़ के देख लें तो फिर या हम उसकी व्याख्या करना शुरू कर देना तो हमारा बड़ा विरोध होना शुरू हो जाएगा कि आप देखो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, जो हमें दिख रहा है। अगर न्यूट्रल होकर बात करें, एक मुस्लिम महिला पूरी तरह से ढकी हुई है, ठीक है, हिंदू महिला वैसी नहीं ढकी होती, तो अब इस पर अगर हम डिस्कशन पर आ जाए तो लोग हमें गाली देंगे। लोग कहेंगे यार तुम क्या बातें कर रहे हो यार। आज के डेट में सोच अच्छी होनी चाहिए, आप कुछ भी पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन वही है ना सर, तालिब अभी जो हो रहा है तो तालिबानियों की सोच ही तो ऐसी है ना, वो औरतों को समझते ही नहीं ना कि वो भी इंसान है, वही चीज है।
आतंकवादी जो होते हैं ना सर, ये मतलब उनको कहते हैं आतंकवादी, जो लोग मना कर रहे हैं कि आतंकवादी नहीं है, कि अमेरिका भी तो चला गया, अमेरिका ने 20 साल रहा, 20 साल में तालिबान से लिया और तालिबान को वापस लौटा के चला गया, लोग ये भी बोल रहे हैं। लेकिन ये तो आप देखो कि यार अमेरिका ने ऐसा क्रूरपन नहीं किया, अमेरिका ने औरतों को बीच बाजार नहीं मारा, वो देश 50 साल आगे, आज भी आपसे 50 साल आगे है, वहां तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, मेंटालिटी मेंटालिटी सोच भाई, वहां कमला हैरिस सोच, सोच अगर आपकी सही नहीं है ना तो आप नहीं। लेकिन ना मैं इसमें देखो, फिर धर्म का चश्मा हम पहन लेंगे ना तो फिर हमारा विरोध होना शुरू हो जाएगा। मत पहनिए, देखिए लड़कियां कम कपड़े पहनेंगी तो कई लोग बोलते हैं कम क्यों पहने, प्रोवोक तो आप कर रहे हो। ये देखो ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है, फिर आप कहोगे आप अपनी सोच बदलो, अरे भाई आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग, क्यों विनोद भाई आप भाई ह्यूमन बीइंग है। अच्छा सबसे बड़ी चीज, जब लड़के कुछ भी पहनते हैं कोई उनको कुछ भी नहीं बोलता, तो फिर लड़कियां कुछ भी पहने आप क्यों टोकते हो। बात सही है, लेकिन अब देखो ये फिर वही डिस्कशन की बात है, हर किसी का माइंड तो आप हर किसी की सोच को बदल नहीं सकते। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से देखो, देखो लोग हमारा विरोध जरूर करेंगे, अब दूसरे दृष्टिकोण देखो, एक फादर अपनी अगर बेटी के बारे में सोच रहा है कि मेरी बेटी प्रोटेक्टेड रहे, वो बची रहे, उसके साथ कोई गलत हरकत ना हो, कि बेटे आप टाइम से आना, क्या हमारे यहाँ देश में नहीं होता? बिल्कुल होता है, मेरे पापा भी मुझे पूछते हैं, अभी भी फोन करते हैं कि बेटा पहुंच गए ऑफिस, मतलब मैं 12 बजे पहुंचती हूँ, उनका 11:30 में फोन आता है, कैब में बैठ गई हो, पहुंच गई, वो डर तो सर अभी भी है, वो डर पेरेंट्स के दिमाग में तो है, एक प्रोटेक्शन है। हाँ मतलब वही प्रोटेक्शन है, तभी तो प्रोटेक्शन, ये वाली वो चीज बेटों के लिए भी तो होती है, कम होती है, होती तो है नहीं बट होती है, मेरे भाई के लिए भी पापा का यही है कि हाँ देखो, लेकिन लड़कियों को लेकर कहीं ना कहीं अब ये बात हाँ अभी भी है, मतलब जैसे मेरे भाई को जितनी फ्रीडम मिली है। कुछ टाइम पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर थी, हाँ कितनी बुरी, बताओ कैसे मार दिया, जला के मार, बताओ बताओ बताओ। तो ऑब्वियसली बात है हमारे देश में क्राइम कहीं भी हो सकता है, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में। एक बार शमसर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये सब कुछ ना शुरुआत आपके दिमाग से होती है, कि आपके मन में पहला ही जो थॉट आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, फिर वो डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पर, कि आपकी भाई शुरुआत से अपब्रिंगिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्वेंट की लड़की है और एक सरकारी स्कूल की लड़की, फर्क नहीं होता उसमें, बहुत फर्क होता है, और यही सेम आपके उसमें होता है प्रोफाइल में फर्क, कि आपका जैसे आप कह रहे हो अमेरिका तो नहीं ऐसा सोचता भाई, उनका देश वहां पे भी, उनका रहन वहां पे भी से एक हद तक हो गई, कल्चर अलग है। अब इसमें ये भी डिस्कशन आती है कि उनको भाई वो सब कुछ देख चुके हैं, वो भर चुके हैं, एक आता ना कि यार आप पहले घर भर लो पूरा अपना, मॉडर्नाइजेशन के एक अलग लेवल पे है वो लोग, वो चीज है। और सेम चीज तालिबान के साथ अगर देखें, वो अभी भी कट्टरवाद के कुएं में ही गोते मार, समझे नहीं आसिम भाई, वो सही है आपकी बात, लेकिन अगर वो दो चार चीजें उनकी अगर सपोर्ट में देखती हूँ, मैं पढ़ रहा था तो मुझे ना दो तीन चीजें ऐसी लगी कि यार इसमें कुछ गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लड़कियों के बारे में कह रहे हैं कि भाई आप टाइम से घर आएंगी, क्या गलत है? लेकिन एक कदम सही चला है और 50 कदम आपके गलत है, तो आप उसको एक कदम को लेकर ये नहीं देख सकते कि वो सही है। हाँ वही बात है, वही बात है, वो भी मैं सोच रहा था, मैंने 50 कदम देखा तो मैं वापस हो गया। वही चीज ना सर, आप खुद देखो लड़कियों के साथ जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार तो देखो किसी भी कंट्री में किसी के साथ हो, कोई कम्युनिटी करे वो बर्दाश्त नहीं, महिलाओं के साथ खास तौर से सर, मतलब एक जननी बोला जाता भाई, एक आदमी जो होता है वो एक नॉर्मल, मतलब ये तो भाई आपको मेंटल लेवल, लेकिन उस आदमी को सपोर्ट करने वाली एक महिला होती है, मेंटल लेवल तो भाई बदलना ही पड़ेगा बहुत, आज नहीं बदलोगे और इन फिर सब को सपोर्ट करने वाला सिर्फ कौन सा देश है? पाकिस्तान, जिसके खुद के देश में 14 अगस्त को आई थिंक एक टिकटॉकर को 400 लोगों की भीड़ ने उसको हवा में उछाला, उसके कपड़े फाड़े, मतलब वो देख के कंट्री की सोच जो है, आप सोचिए वहां के लोगों की सोच क्या होगी जो खुद तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो लड़की वो चिल्ला भी रही है, वो वीडियो जो आया है वो उसमें वो चिल्लाते हुए दिख रही है, अरे वो तो रोते हुए उसने इंटरव्यू दिया है, बताया बिल्कुल क्या बहुत, मतलब वो शरीर का शायद कोई हिस्सा नहीं था जहाँ मुझे परेशान ना किया, बिल्कुल चील की तरह नोच नोच की, मतलब उन लोगों ने क्या किया। तालिबान ने आर्मी स्कूल पे आई थिंक इन्हीं लोगों ने अटैक किया था, जो पाकिस्तान के शायद वो इन्हीं लोगों ने अटैक किया था, लेकिन इमरान खान साहब सपोर्ट करेंगे, अपने देश को नहीं सुधारेंगे, उन्हें दूसरे के उंगली करनी है। गंभीर मुद्दा है वो, ये मुद्दा ना एक्चुअली घूम फिर कर उसी सोच पर आता है कि ह्यूमन नेचर की एक लड़की के प्रति कैसी सोच है। सोच बहुत, आपको अगर आपकी सोच गलत है ना तो आप लड़की नहीं, आप लड़के के लिए भी गलत ही सोचेंगे। आजकल तो ट्रेंड भी हो गया दूसरे वाला तो वो भी वो गलत ही मेन वही है, सोच अच्छी रखनी चाहिए। हाँ।
बट कैसे, सवाल ये भी है ना कि कैसे सोच अच्छी रखो, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, फैमिली, आपको एजुकेट अगर नहीं हो पाओ, नहीं कर वो लोग नहीं है तो उनका मेन रीजन तो यही है ना, उन्हें सिर्फ एजुकेशन तक, उनको पता ही नहीं एजुकेशन क्या है। फिर आपके घर पे क्या एनवायरनमेंट है, आपने बचपन से क्या देखा है, ये बहुत मायने रखता है, बहुत सबसे ज्यादा मायने रखता है। वही वही चीज, अपने घर पे कितना टाइम स्पेंड, वही वही चीज, आप आफ्टर 10th आप बाहर निकलते हो, बट 10th तक तो आप घर पे ही हो, तो घर पे क्या माहौल है, आपकी मम्मी के साथ में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब वो बहुत मैटर करता है। हां एग्जैक्टली, एक भाई अपनी बहन से कैसे रहता है वो देखता है कि उसके फादर उसकी माँ के साथ कैसे है, ठीक, बेटा देखता है अपने बाप को, बाप देखता है अपने बाप को, इस तो इस तरीके से चेन आती है, बेटा वही करता है जो उसने फादर को अपनी मां के साथ पेट से पैदा होता है, और जब बाहर निकलते हैं सब एक जैसे ही होते हैं, वही चीज होती है, उसके बाद ही सब चेंजेस होते हैं। कल आपने जो हम लोग बात कर रहे थे, कल आपने बोला था कि जैसे वो लोग बच्चों की गाड़ियों पे कूद रहे हैं, घोड़े चला रहे हैं बच्चों के, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखे नहीं थे, और बड़े मजे से वो बिल्कुल मस्त वो लकड़ी की गाड़ी सेम वही इन्होंने इसलिए नहीं देखे ना, क्योंकि उनको एक दायरे में कैद करके रखा गया। हाँ यार सीरियसली, मतलब मुझे उनका एजुकेशन नहीं पहुंची है, और सोचो मैं, मुझे एक कंसर्न लगता है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, लेकिन कंसर्न यही लगता है कि जो महिला बेचारी माँ है वो किस माइंडसेट से होंगी, कि बताओ हम कैसे ना बाहर जा सकते, हम इस देश से जा भी नहीं पा रहे हैं, और हम और ऐसी सरकार के अंडर, वो रात दिन डर के साए में होंगी सर, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, 6 से पहले आई थी। लेकिन मुझे एक चीज और भी है कि ये शायद ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये हवा हवाई बातें ही हो ज्यादा, मतलब इसमें सच्चाई कम हो, कम हो, क्योंकि वहां भी भला होना चाहिए लोगों को यार, ऐसी बात नहीं है, वहां के सर भला सब जगह होना चाहिए, लेकिन ये है कि अभी वो कंट्री की लोग जो वहाँ के आम जनता है वो असल में परेशान, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और कोई चीज नहीं, उनको इस चीज को अपना बस ऊपर वाला उस चीज को उनका करना पड़ेगा। चलिए बड़ा गंभीर मुद्दा था, हम भी मतलब बात करते तालिबान की अपने घर तक पहुंच गए, वहां की अपने मेंटालिटी डिस्कस कर लो आप सर, लेकिन लास्ट कमेंट क्या बोलोगे सुरभी? जो भी हो, अगर आपको वहाँ पे शासनी करना है, ठीक है, आप सभी को इक्वलिटी से रख दीजिए, आप सभी को प्रोटेक्ट करिए, कोई भी नहीं चाहता कि आप उन्हें जानवर की तरह ट्रीट करो, सही बात, बस चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप उन्हें इक्वलिटी दीजिए, बस ये है सर, कि तालिबान जिस तरीके से बोल रहा है अब, जैसे बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या वैसे भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम अब वैसे क्रूर वाला शासन नहीं है, ये नहीं है, यही वादे तो उन्होंने उस टाइम भी किए थे जब सबसे पहले अफगानिस्तान में आए थे, लेकिन बाद में तो इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, और अंदर की खबरें निकलती भी नहीं, अंदर की नहीं, पता ही नहीं लग पता क्या हो रहा होगा, कुछ फोटोज आ रही हैं उसी के भी हाथ पे, तो हम लोग उनकी मीडिया है वही अपना जो रिलीज करेगी, अब आपको क्या, आप सोचो ना आपके घर के पड़ोस में क्या हो रहा है आपको नहीं पता लगता जब तक कोई बताया नहीं आपको, यार वही खबरें बाहर आती हैं जो उनकी एजेंसी बोलती है, देश बहुत बड़ा होता है ना, सब चीजें। चलिए दोस्तों, बाकी दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में वहाँ के हालात सुधरें सर, बिल्कुल 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 सुधरें। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती, न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ, आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।